नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनका मंत्रिमंडल नहीं पता कि चाहता क्या है, क्योंकि उनको अपने मुल्क में तो अब जैसे कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं और इसके लिए कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की सरकार को उसकी अपनी आवाम की कितनी चिंता है। अगर चिंता होती तो ध्यान अपने मुल्क पर लगता, लेकिन जब से प्रधानमंत्री का पद इमरान खान को मिला है और वो सरकार में आए हैं, तब से तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खिल्ली ही उड़ रही है। अब पाकिस्तान के मंत्रिमंडल की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। अब ताजा उदाहरण ही देख लीजिए। पाकिस्तान के एक मंत्री हैं फवाद हुसैन, नाम तो सुना ही होगा, जो पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ये व्यक्ति अक्सर अपने बड़बोलेपन की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर रहता है। अब इन्हें भारत के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो ये 8 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही कूद पड़े। फवाद कह रहे हैं कि मोदी को हारना चाहिए। जनाब अपने ट्वीट में अपनी मंशा में कुछ अलग तो दिखाने की कोशिश करते। अब जब मोदी जी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, आपकी करतूतों को होने से रोक दे रहे हैं, तो भला आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मोदी हार जाए? तो आपके इस ट्वीट में कुछ भी हैरान कर देने जैसा नहीं था। आपने लिखा है, भारत के लोगों को मोदी को हराना चाहिए। वो इस वक्त अन्य राज्य के चुनाव हारने के प्रेशर में उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। कश्मीर नागरिकता संशोधन कानून और गिरती अर्थव्यवस्था पर देश दुनिया से मिली प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अरे फवाद चौधरी, पहले आप अपना मानसिक संतुलन तो ठीक कर लीजिए। दरअसल फवाद का ये ट्वीट ऐसे नहीं आया, बल्कि पीएम मोदी के एक भाषण पर आया है, जिसमें पीएम मोदी ने दावा किया था कि भारत की सेना पाकिस्तान को 7 से 10 दिन में हरा सकती है। कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3-3 युद्ध हार चुका है, हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। पीएम मोदी ने यह भाषण एनसीसी के एक कार्यक्रम में दिया था। अरे अगर पीएम मोदी ने कह दिया कि यह संभव है, तो फवाद चौधरी आपको अपनी सेना को मजबूत करने की सोचनी चाहिए, रणनीतियां बनानी चाहिए कि भारत के साथ युद्ध जैसी कोई परिस्थिति ना बने, क्योंकि आपको अपने मुल्क की हालत तो पता ही है। अगर आपके पास परमाणु बम है भी तो इस पर इतना उछलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास परमाणु बम भी है और उसके अलावा भी कई हथियार हैं, जिनसे आपको सबक सिखाना काफी आसान है। भारत को आपको आपकी जगह दिखाने में देर नहीं लगेगी। फवाद अक्सर पीएम मोदी पर हमलावर रहते ही हैं, अब उनकी कितनी सुनी जाए। उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर ही शर्मनाक ट्वीट किया था, लिखा था, आज का दिन हमें गर्भ निरोधकों का महत्व समझाता है। हालांकि उनके इस ट्वीट के लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। तो ये है फवाद चौधरी। इनकी भाषा और इनके मानसिक संतुलन से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो अमर्यादित है और वो ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान सुधर जाए तो वो पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है। 8 फरवरी को मतदान किया जाना है और 11 फरवरी को मतगणना होगी। उससे पहले सभी सियासी पार्टियां सीए के विरोध के बीच अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में आती है। जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन फायदा पाकिस्तान को होगा ही नहीं, क्योंकि केंद्र में तो साल 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ही रहने वाले हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी केंद्र में है तब तक पाकिस्तान की नाक में दम करते रहेंगे, ये तय है। तो पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री भारत की सियासत से दूरी ही बनाकर रखें, वही उनके लिए बेहतर है। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3-3 युद्ध हार चुका है, हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसी प्रॉक्सी वॉर में भारत के हजारों नागरिक मारे गए, हजारों जवान शहीद हो गए, लेकिन इसके पहले इसे लेकर के क्या सोचते? वो लोग सोचते थे कि आतंकवाद, ये आतंकी हमले, ये बम धमाके,
ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इसी सोच की वजह से बम धमाके होते गए, आतंकी हमलों में लोग मरते गए, भारत मां लहूलुहान होती गई। बातें बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, लेकिन जब हमारी सेनाएं एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता, टाल दिया जाता। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। इसका परिणाम क्या हुआ है वो आप भी देख रहे हैं। आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी शांति कायम होती चली जा रही है। अलगाववाद, आतंकवाद को सीमित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी कोई बीमारी लंबे समय तक ठीक न हो तो वो बीमारी ही शरीर का हिस्सा बन जाती है। हमारे राष्ट्र जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसी अनेक बीमारियों ने देश को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी अधिकतर ऊर्जा इनसे लड़ने निपटने में ही लग जाती है। क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था? साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थाई है। संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थाई है, लेकिन दशकों बीत गए, संविधान में जो अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते, जिसमें तिरंगा का पान होता रहता और सरकार तमाशा देखती रहती? पहले नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस तरह की नीति अपनाई गई, जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसे भी आप भली भांति जानते हैं। दशकों तक वहां के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। वहां के लोगों को ही नहीं, वहां की समस्याओं को, वहां की चुनौतियों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। 5-5, 6-6 दशक वहां के अनेक क्षेत्र उग्रवाद से परेशान थे। अपनी अपनी मांगों की वजह से नॉर्थ ईस्ट में कई उग्रवादी संगठन पैदा हो गए थे। इन संगठनों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। वो ये सोचते थे कि हिंसा से ही रास्ता निकलेगा। इस हिंसा में हजारों निर्दोष लोग, हजारों सुरक्षा कर्मियों को शहादत मोलनी पड़ी। क्या नॉर्थ ईस्ट को हम अपने हाल पर ही छोड़ देते? क्या अपने उन भाई बहनों की परेशानियों से, उनकी दिक्कतों से ऐसे ही मुंह फेर करके बैठ जाते? मेरे नौजवान साथियों, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी कार्य संस्कृति नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर आज आपने शायद सोशल मीडिया में अपने मोबाइल फोन पर देखा होगा, शायद अखबार देखने का मौका मिला होगा, टीवी देखने का मौका मिला होगा, मीडिया में भी देखा होगा,
बोडो समस्या को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता हुआ है। पिछले 5-6 दशकों में देश के ऐसे क्षेत्र और विशेषकर असम जिस स्थिति से गुजरा है उसे बदलने के लिए कोई ठोस पहल कभी नहीं की गई। क्या हम इस स्थिति को ऐसे चलने देते? जी नहीं, कतई नहीं। हमने एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की और दूसरी तरफ बहुत ही खुले मन और खुले दिल के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की। बोडो समझौता आज इसी का परिणाम है। कुछ दिन पहले मिजोरम और त्रिपुरा के बीच ब्रू जनजाति को लेकर हुआ समझौता इसी का नतीजा है। इस समझौते के बाद ब्रू जनजातियों से जुड़ी 23 साल पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। अब उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़ी चिंता से मुक्ति मिली है। बरसों से ये लोग विस्थापित का जीवन जी रहे थे, न रहने का ठिकाना, न बच्चों का कोई भविष्य। हमने सबको साथ लिया और एक समाधान खोजा। सबका साथ लेकर, सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, इस देश का कौन सा नागरिक ऐसा होगा जो ये नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा कि हमारी सेना आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश के पास युद्ध की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो? हर देश प्रेमी यही चाहेगा, हर राष्ट्रभक्त यही चाहेगा। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, 30 साल से ज्यादा समय से हमारे देश की वायुसेना में एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं जुड़ा। पुराने होते हमारे विमान हादसों का शिकार होते रहे, हमारे फाइटर पायलट्स शहीद होते रहे, लेकिन जिन लोगों पर नए विमान खरीदने की जिम्मेदारी थी उन्हें जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। क्या हम ऐसा ही चलते रहने देते? क्या ऐसे ही वायुसेना को कमजोर होने देते? जी नहीं। 3 दशक से जो काम लटका हुआ था वो हमने शुरू करवाया। आज मुझे संतोष है कि देश को 3 दशक के इंतजार के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन रफाल मिल गया है। बहुत जल्द वो भारत के आसमान में उड़ेगा। साथियों, हमारे यहां ऐसी भी सरकारें रही हैं, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्हें जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने तक में तकलीफ थी। वर्ष 2009 से हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्या मेरा जवान ऐसे ही आतंकियों की, नक्सलियों की गोलियों का शिकार होता रहता है? उसने देश के लिए मरने की कसम खाई है, लेकिन उसकी जान हमारे जैसों से कई ज्यादा कीमती है।